हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यदि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। तो आज हम ऐसे ही आपको पांच महत्वपूर्ण लक्षण बताने वाले हैं जो आप अगर बेबी बॉय को जन्म देने वाली होती हैं तो आप में नज़र आते हैं, आप में दिखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है बेबी बम्प। आप बेबी बम्प को देख के जान सकती हैं कि आप बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं या बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। अगर हम बेबी बम्प की बात करें तो अगर आप एक लड़के को जन्म देने वाली होती हैं तो आपके पेट का आकार बिल्कुल से गोल साइज का होता है तथा नीचे की ओर उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है, नीचे की तरफ को भार ज़्यादा होता है और बिल्कुल गोल सा छोटा सा पेट होता है। तो ये सिम्टम्स आपको बेबी बॉय के टाइम पर दिखने वाला है। अगर आप बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं तभी आपको ये सिम्टम्स दिखने वाला है। नंबर सेकेंड है हमारे बेली पर एक नाभि के पास से लेके ऊपर से नीचे तक एक लाइन बनी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। इस लाइन को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। तो ये लाइन अगर सीधी है, बिल्कुल से सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, तो आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। जैसा आपने अभी स्क्रीन पर देखा, इस टाइप की अगर लाइन है तो ये बेबी बॉय के लिए नहीं है। ये मैंने सिर्फ लाइन को इंडिकेट करने के लिए लगा रखा है ताकि आप समझ पाएँ कौन सी लाइन। तो जो स्क्रीन पर दिख रही है ये लाइन बेबी गर्ल को इंडिकेट करती है, बल्कि इसके विपरीत अगर लाइन स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, तो वो बेबी बॉय को इंडिकेट करती है। तो चलिए हम अपने चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा हमारा पॉइंट है, अगर हम बेबी बॉय को जन्म देने वाले होते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में बॉयज़ के हार्मोन्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक बेबी बॉय को बना रहा होता है। बेबी बॉय के सिम्टम्स जो होते हैं, बेबी बॉय के जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में भी दिखने लगते हैं। ये जो रोएं होते हैं इनमें अगर काफ़ी ग्रोथ हो गई है, आपके हेयर में काफ़ी ग्रोथ हो गई है, आपकी आईब्रोज पहले से आपको थिक लग रही हैं, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स होता है। 90% काम करता है ये लक्षण। ये मेरे टाइम पर मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता था, मेरे बालों में ग्रोथ हो गई थी, मेरी आईब्रोज थिक हो गई थी पहले से ज़्यादा। तो ये लक्षण बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। नंबर फोर्थ है मीठा खाने की इच्छा करना। अगर आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली होती हैं तो आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है। ऐसा कहते हैं कि बेबी बॉय जब होता है तभी आपको मीठा खाने का मन करता है। फिलहाल ये सब में कॉमन नहीं होता है, कभी कभी बेबी गर्ल में भी ये सिम्टम्स दिखने लगता है। फिलहाल 80% यही होता है, जब हम बेबी बॉय को जन्म देने वाले होते हैं हमें तभी मीठा खाने का मन करता है। हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है मतली आना। अगर आप बेबी बॉय को जन्म देने वाली होती हैं तो या तो आपको मतली या वोमिटिंग होती है, जो वो बहुत ही होने वाली है। पूरे के पूरे 9 महीने तक आप वोमिटिंग से परेशान ही रहने वाले हैं, और या फिर पूरे 9 महीने में मुश्किल से एक या दो बार, कभी बाई द वे हो जाए तो हो जाए, आपको कभी कभी तो मतली आने वाली है बट वोमिटिंग नहीं होने वाली है। तो ये सिम्टम भी हमें इंडिकेट करता है कि हम बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं। या तो हमें वोमिटिंग बहुत आने वाली होती है या तो बिल्कुल ना की बराबर आती है। तो ये थे कुछ लक्षण जो हमारे गर्भ में यदि लड़का होता है तो हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।